आज के इस एपिसोड में हम डिस्कस करने वाले हैं जेपी एसोसिएट्स कंपनी के बारे में, जहां हमने इस स्टॉक को 8 रुपए के आसपास आपको रिकमेंड करा था और कहा था कि स्ट्रॉन्गली इस स्टॉक में आप बन सकते हैं और रिजल्ट बहुत ही शानदार रहा है, जहां टोटल इनकम में 84% की वृद्धि दिखी है क्वार्टर ऑन क्वार्टर में। वहीं अगर आप नेट प्रॉफिट की बात करेंगे तो नेट प्रॉफिट में भी 240% का बढ़ोतरी देखने को मिला है। वहीं ईपीएस में भी 244% का जो है बढ़ोतरी देखने को मिला है। यानी मिला जुला कर अगर आप बात को समझने की कोशिश करें तो आप समझेंगे कि रिजल्ट बहुत ही शानदार रहा है, जहां इस स्टॉक में हमने देखा कि शुक्रवार को इस स्टॉक के अंदर लोअर सर्किट लग रहा था, जो कि लगातार कई दिनों से इस स्टॉक के अंदर अपर सर्किट देखने को मिल रहा था। लेकिन जिस प्रकार से स्टॉक के रिजल्ट का एक्सपेक्टेशन बहुत ही शानदार और अच्छी थी, वैसे रिजल्ट अच्छा आया और रिजल्ट आने से पहले इस स्टॉक के अंदर अपर सर्किट देखने को मिला है। तो मेरा पर्सनली मानना ये है, अगर आपने हमारे रिकमेंडेशन से बाइंग करा होगा तो अभी जो आपका प्रॉफिट होगा वो लगभग 70% के आसपास का होगा। जहां ये स्टॉक अभी 14.5-15 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है, वहीं इस स्टॉक का जो टारगेट होगा अगले 2 साल के लिए वो 35+ का टारगेट होगा। लेकिन अगर आपने बल्क बाइंग कर रखी, आपका क्वांटिटी बहुत ही ज्यादा है, तो इस स्टॉक के अंदर जो है पार्शियली प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, यानी 20-25% के आसपास के प्रॉफिट को आप बुक कर सकते हैं। लेकिन अगर बात करें सीमेंट और स्टील सेक्टर का, तो ये बहुत ही शानदार सेक्टर हो सकता है आने वाले समय के लिए, ऐसे बहुत सारे एनालिस्टों का मानना है, क्योंकि इकोनॉमी का डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट, इन सारी चीजों पे ही डिपेंड है। और मुख्य रूप से जो जेपी एसोसिएट्स है वो सीमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर से बिलोंग करती है, इसीलिए इस स्टॉक के अंदर भी शानदार तेजी देखने को मिल सकता है। बाकी किसी भी स्टॉक को बाय सेल और होल्ड करने से पहले वित्तीय सलाहकार से जरूर मिले। थैंक यू, मिलते हैं फिर नेक्स्ट एपिसोड में।